जय हिंद साथियों, कोटा यारों की ओर से आज मेरे के कार्यशाला स्तरी में आयोजित के जारी सेना भर्ती के सातवें दिन यानी शनिवार को कोटा जिले की लाडपुरा एवं सांगोद तथा अजमेर जिले की अराई भिनाय पुष्कर एवं विजयनगर तहसील से 4112 युवाओं ने सेना भर्ती रैली में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। इन युवाओं को रात्रि 2 बजे से आधार कार्ड, प्रवेश पत्र एवं RT-PCR जाँच रिपोर्ट के अनुसार कार्यशाला स्तरी में प्रवेश दिया गया। सुबह 4 बजे से इन युवाओं की दौड़ शुरू रही। ध्यान रहे कि युवाओं को रैली में शामिल होने के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR जांच रिपोर्ट जरूर लेकर जानी है, नहीं तो ऐसे युवाओं को एंट्री गेट से ही लौटा दिया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं इससे एक दिन पहले की यानी सेना भर्ती के 6ठे दिन की। शुक्रवार को कोटा जिले के डिगोस, कानवास, पीपलाद एवं रामगंज मंडी तथा राजसमंद की आमेट, भीम, देवगढ़, गम्हौर, खमनौर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, रेलमगरा एवं राजसमंद तहसीलों के 4369 युवाओं ने सेना भर्ती रैली में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया था और इनमें से 3300 युवा दौड़ में शामिल हुए और 370 युवा दौड़ में सफल रहे। दौड़ के समय युवाओं में देश सेवा का जोश, जज्बा और देखने को मिला। युवा एक दूसरे को पछाड़ते हुए यह संदेश दे रहे थे कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। शुक्रवार को एक ग्रुप ऐसा भी दौड़ा जब सेना के अधिकारी उस लड़के की दौड़ को देखते ही रह गए। दरअसल एक लड़का पहले दूसरे राउंड में बहुत पीछे दौड़ रहा था, लेकिन जब तीसरा चक्कर शुरू हुआ तो उसने आगे दौड़ रहे युवाओं को पछाड़ना शुरू कर दिया और तीसरा चक्कर पूरा होते होते उसने सभी को पीछे छोड़ दिया। वो एक नंबर पर दौड़ रहा था। चौथा चक्कर 100 मीटर ही पूरा होता है कि एक दूसरा लड़का फिर पीछे से निकल कर आता है और उस एक नंबर पर दौड़ रहे लड़के को भी पीछे छोड़ता हुआ करीब 150 मीटर लीड देकर एक्सीलेंट दौड़ पास करता है। इस दौड़ को देखने के बाद ट्रैक पर खड़े सेना के जवान व अधिकारी भी आपस में चर्चा कर रहे थे। इसलिए साथियों, ध्यान रहे कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है और ट्रैक पर दौड़ते समय आपका नंबर लास्ट में भी आ जाए तो आप हिम्मत से काम लेते हुए पॉजिटिव सोच, जोश और अपनी तैयारी पर भरोसा करते हुए दौड़ लगाएं। सबसे जरूरी यही है कि आप यह सोचकर डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो जाना। पहले ही मन में हार मत मान लेना कि सबसे पीछे नंबर आ गया, अब तो दौड़ वैसे ही पास नहीं होगी। आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हुए फुल जोर लगा दें, आप हर हाल में दौड़ पास कर जाएंगे। आपने खुद भी ऐसे नज़ारे खूब देखे होंगे कि 3 चक्कर तक सबसे आगे कोई और होता है और आखिर में कोई और, फिर दौड़ में जो एक नंबर पर आता है वह भी कोई और ही होता है, क्योंकि यहाँ दम के साथ पॉजिटिव रहना बेहद जरूरी है। आपके दिमाग में यही सोच होनी चाहिए कि आज तो दौड़ पास करके ही रहूँगा और आप दौड़ पास कर लोगे। तो इसलिए साथियों, हिम्मत, जोश, होश व पॉजिटिव होकर दौड़ें, आपको मंजिल जरूर मिल जाएगी, आप दौड़ जरूर पास कर लेंगे। और अब बात करें रविवार की, तो साथियों रविवार को सेना भर्ती में अवकाश रहेगा, सेना भर्ती दौड़ रविवार को नहीं होगी और शनिवार यानी आज जो दौड़ हुई उसमें फेल पास का अपडेट आपको देर शाम तक देने का प्रयास करेंगे। साथियों कई बार PRO से प्रेस नोट देर शाम तक आता है और दूसरी ओर हम उस वक्त अखबार की खबरों में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे में सेना भर्ती की अपडेट दे पाना कई बार संभव नहीं हो पाता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको शाम को ही अपडेट दें। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।